जो अपने आप में भारत में बहुत सारे मायनों में सबसे पहला होने वाला है। ये टनल तो खत्म ही नहीं हो रहा है, पहाड़ नहीं है, ये टनल खोद के बनाई है। इसके ऊपर पे भी 8 लेन रोड है, नीचे 8 लेन रोड है, और दो दो लेन 4 लेन सर्विस रोड है, यानी 8 और 8, 16 और 4, 20 लेन हो गया। और ये टनल अब एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप जो है, दिल्ली में जो हवाई जहाज उतरते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसके नीचे से जाके T3 को पहुंचेगी। तो पंजाब हरियाणा आने वाले लोग जो है, उत्तराखंड हिमाचल उधर के, वो डायरेक्ट UR2 से पानीपत के बाद पलट कर आएंगे तो 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, 20 मिनट में बस। और यहाँ से वसंत विहार में टनल जाएगी शिवमूर्ति से आगे, तो डायरेक्ट वसंत विहार जाएगी। तो ये जो हमारा धौला कुआं से आने वाला जो गुड़गांव का रोड है, इसका ट्रैफिक 50% कम हो जाएगा। और अभी जो 2 घंटे लगते थे जो पानीपत वाले रोड से वहां से जाना, वो 20 मिनट में हो जाएगा। तो हिंदुस्तान का सबसे लंबा शालो टनल, ये शालो टनल पहली बार इतना हुआ है, इतना बड़ा ये अभी तक नहीं हुआ है। चैलेंजिंग टास्क था। और ये देखो, ये पूरे कॉन्क्रीट के पिलर है, इसके ऊपर कॉन्क्रीट, इसके ऊपर पूरा उतना ही बड़ा रोड है, इतना ही बड़ा। और उसको इधर दो लेन और इधर 4 लेन, 2000 सर्विस रोड है जो हम बात कर रहे थे। अभी इसके बाद नीचे जाओगे तो एयर स्ट्रिप है, ऊपर हवाई जहाज उतरेगा और नीचे से लोग जाएंगे ऐसा। तो जो कॉस्टिंग की बात हम कर रहे थे, ये भी उसी में जुड़ेगा, बिल्कुल है, केवल ऊपर वाला नहीं है बल्कि इसके नीचे सब सब। यही तो है कि ये 28 किलोमीटर की लेंथ है, और जो उन्होंने कहा था कि 91,000 करोड़ फॉर 5,000 किलोमीटर के लिए, 18 करोड़ 2 लेन शोल्डर को और 2 का 4 लेन करने के लिए खर्चा आता था, ये तो कितना बड़ा है। तो ये पर लेन खर्चा 9.5 करोड़ आता है, और उन्होंने 9 करोड़ निकाला है, फिर भी इसमें टनल है, ब्रिजेस है, उसमें टनल ब्रिजेस की कॉस्ट नहीं जोड़ी गई थी, तो सस्ता ही किया। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के 4 टेंडर पर 12% बिलो जाके लोगों ने काम लिया है, यानी 12% एस्टिमेट कॉस्ट से पैसा बचाया है हमने। और एक एक टेंडर में 8-8, 10-10, 15-15 लोगों ने कॉम्पीट किया, कॉम्पिटिशन होने के बाद टेंडर दिया है, और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम कर रही है। चलिए वापस ऊपर निकलिए।